उन्नाव दुष्कर्म कांड में पुलिस का खेल ही उस पर भारी पड़ा। पीड़ित किशोरी के गंभीर रूप से घायल पिता को जेल भेजने के लिए उसके पास से तमंचा बरामद दिखाया गया था। आरोपित बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के दबाव में स्थानीय पुलिस ने ऐसा कदम उठाया होता तो शायद पीड़ित किशोरी के पिता की जान बचाई जा सकती थी। पुलिस के साथ ही उन्नाव जिला अस्पताल व उन्नाव जेल में डॉक्टरों ने भी इलाज में लगातार लापरवाही बरती, जिससे उनकी हालत बिगड़ती चली गई। सीबीआई इन बिंदुओं पर भी सिलसिलेवार पड़ताल कर रही है। उन्नाव कांड की जांच कर रही सीबीआई आरोपी विधायक से कई चक्रों में पूछताछ कर चुकी है। विधायक व अन्य आरोपितों के बयानों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पीड़ित किशोरी के पिता को विधायक पक्ष के लोग उसके घर से खींच कर लाए थे। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में पीड़ित किशोरी के पिता को पेड़ से बांधकर बर्बरता से पीटे जाने के साथ ही मौके से तत्कालीन एसओ माखी द्वारा घायल को थाने ले जाया जाने का जिक्र किया है। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी की जांच में पीड़ित किशोरी के पिता के पास से तमंचा बरामद होने की पुष्टि नहीं हुई थी। स्थानीय पुलिस ने घायल को जेल भेजने के लिए उसके पास से असलाह बरामद दिखाया था। पूरे मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में रही है। अस्पताल प्रशासन भी विधायक के दावे में था। यही कारण रहा कि गंभीर रूप से घायल आरोपित को भर्ती करने बजाय जेल भेजा गया। एसपीएन न्यूज रूम की रिपोर्ट।